你要怎么？那边，你要怎么？ Thank you. Your name? Hi. My name is Naveed. Here is Abdul Naveed. तो इन्होंने मेरा बैग चेक किया, मैं यहाँ एंट्री कर रहा था अचानक से. Good morning guys. तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में. कल मैं पहुंच चुका था कल हॉस्टल शाम में. दिक्कत ये हुई थी, जहाँ हॉस्टल का एड्रेस था booking.com पे, वहाँ हम लोग गए हॉस्टल देखे, पर हॉस्टल वहाँ नहीं था. काफ़ी दिक्कत गई, हम पूरा एक दिन बर्बाद हो गया हमारा. तो आज वही हॉस्टल से हम कहीं और जा रहे हैं, निज़ाम स्ट्रीट के पास में है. स्ट्रीट के पास रहेंगे, आज एक दिन रुकना पड़ेगा, फिर अगले दिन हम कहीं और निकलेंगे, बाहर सिटी में या विलेज में. तो बहुत तकलीफ हुई, बहुत बेकार हॉस्टल था यार वो. मैंने गाड़ी ओल्ड ऐप से मंगाई है. आप जब भी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो ना, तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कम लोग जानते हैं इंग्लिश. मदद कर. तो फाइनली मैं पहुँच गया अपने हॉस्टल. कुछ इस तरीके का रूप है. तो रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊँगा मैं आपको. मेरा स्टे 14 डेज़ का है यहाँ पे, तो मुझे रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं रही, तो रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत कंपलसरी रहता है. कौन सा बेड़े? ऊपर from this bed. Okay. This bed. Yeah. Or you can take this bed. And this one. This side. Lower side. It's okay for you? Yes, yes. This one. और ये कुछ इस तरीके का स्पेस है जो कि मैं अपने बैग के लिए यूज़ करूँगा. और ये मेरा बेड रहा, मैं जिस डॉर्म में रह रहा था वहाँ का. इस तरीके का ये है कुछ ऐसा लुक. और ये मुझे पड़ा है समथिंग अराउंड 600 रुपीज़. तो ठीक है, अच्छा लगा मुझे हॉस्टल पिछले वाले हॉस्टल से. पिछले वाला कॉस्टली नहीं था, पर वहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो गई थी हमारे को. और काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं, आप देख सकते हो वहाँ पे. हम हैं इस वक्त शायद 3rd फ्लोर पे. मैं 2-3 फ़ोटो शूट करूँगा और आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा. आप इंस्टाग्राम पे मेक श्योर मुझे फॉलो कर ले. ये जर्नी के बारे में मैं आपको रील से अपडेट कर दूँगा या स्टोरी से अपडेट कर दूँगा. तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ के बाथरूम्स कैसे हैं. कुछ इस तरीके का लुक है, बहुत फ्रेश है. हॉस्टल के बाहर आ चुका हूँ. अब मैं जा रहा हूँ मनी निकालना था ATM से. कल मैंने कम निकाला था काफ़ी, तो आज मुझे ज़रूरत पड़ रही है. बताता हूँ फिर आपको मुझे क्या चार्जेस लगे. मैं नियो का DCB वीज़ा कार्ड है वो यूज़ करूँगा अभी यहाँ पे. मैंने इंटर किया पिन, अज़रबैजान होना मुझे करेंसी. तो मैंने पैसे निकाला वो कैपिटल बैंक से, ये वाला बैंक था. 200 मन्नत निकाला मैंने और मुझे मेरे अकाउंट से कटे हैं पैसे 9760. मुझे एक मन्नत पड़ा है 47.30 रुपीज़. जैसे अब मैं जा रहा हूँ निज़ाम स्ट्रीट बताने के लिए आपको. इस तरीके का वहाँ पे माहौल रहता है और एक फेमस स्ट्रीट है बाकू के अंदर. मैंने कुछ लिया ये 75 रुपीज़ के हिसाब से इंडियंस के आए ना, तो ये 1.5 मन्नत का हुआ है मुझे. तो समथिंग मैं सोच रहा हूँ अगर मैं 2 मील भी लेता हूँ, अगर इससे मेरा पेट भर जाएगा, तो मैं हर दम यही लूँगा दोनों टाइम, सुबह शाम. और बाकी जो टाइम जो मुझे अभी भूख लगी है मेरे पास ऑलरेडी, जो मैं इंडिया से लेके चला था. मैंने वो सामने देख रहे हो शॉप 150 डोनर, मैंने वहाँ से लिया था. और ये है अज़रबैजान की सबसे फेमस स्ट्रीट और उसका नाम है निज़ाम स्ट्रीट.
कुछ इस तरीके का नज़ारा है, काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। और इस साइड में पब देख रहे हैं आप, मेरे बैक साइड में काफ़ी सारे आपको शॉप्स मिल जाएंगे फोन्स, मोबाइल फ़ोन्स के लिए, और यहाँ पे कुछ शॉपिंग कर सकते हो आप इस साइड में। अब लोग हम फिर से वापस से चेंजली जा रहे हैं सिम कार्ड लेने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कल रात में जो जगह आए थे ना, जहाँ आए थे हम पूछने के लिए सिम, तो अब वहीं से जाके हम सिम लेंगे। सिम कार्ड मैंने कहाँ से लिया, मैं अजहर से पूछा था सिम कार्ड एक्टिवेशन के 2 मन्नत और सिम का 5 मन्नत और 10 मन्नत में कुछ रिचार्ज था या 12 मन्नत में पता नहीं, रशियन या अजरबैजान लैंग्वेज बोल रहे थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ट्रांसलेट भी किया तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो बैक साइड में है बक्सेल, वो इंग्लिश जानते थे तो ईजी हो गया उनसे लेना। मैंने कौन सा सिम लिया, बक्स से लिया है, और वो पड़ा है मुझे 15 मन्नत का, ये हो जाता है 750 रुपीज़ INR के हिसाब से। 1000 MB यानी 5 GB डाटा रहेगा और 500 मिनट्स रहेंगे और कॉलिंग। जिलिक से फिर मैं वापस ट्रेन में बैठा मेट्रो में, तो अब मैं जा रहा हूँ आपका सबसे ओल्डेस्ट इचारी शहर। तो मैं यही स्टेशन से निकला था और मुझे ये दिखा पैनो, कोई भी यूज़ कर सकता है यहाँ पे। तो यार मुझे पहले पैनो बजाना आता था, अब नहीं आता है, तो मैं ट्राई करके देखूँ पुरानी वाली धुन मेरी। Zawan Sheikh. Zawan. Nice to meet you, Zawan. And your name? Yusuf. Yusuf. My name is Yusuf. Yusuf. Yes. Oh, yes. Nice to meet you, Yusuf. आगे होंगे ना? ये सब तुर्की से अजेरी है, ये लोग तो यहाँ पे ऐसे पार्क में मिले, पूछ रहे हैं जैसे बातचीत हो रही है। और ये सिटी का जो मैंने नाम बताया था आपको, इचारी शहर है, बिल्डिंग के बाद में ये टावर जो मशहूर है, देखूंगा आप तो फिल्म टावर शायद ही आपको दिख पा रहा होगा। तो ये नाइट में आप आ सकते हो और इसे देख सकते हो, काफ़ी सारी लाइटिंग रहती है वहाँ पे। और ये जो कैप्सन सी देख रहे हो ना, ये सी से टच होते हैं ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान और रशिया का पार्ट। तो भाई फ्लेम टावर के ऊपर रात में कुछ इस तरीके के नज़ारे देखने मिल जाएंगे आप लोगों को, अगर आना हो रहा है तो आपका। तो और बैक साइड में है सी, और आप सी इंजॉय कर सकते हो वहाँ पे। जो मेरे बैक साइड में जो नीचे जो क्लब देख रहे हो ना, तो वो ऐसे क्लब है नीचे ग्राउंड फ्लोर के अंदर। मैं तो नहीं जाना चाहता, और वहाँ पे जाने की फ़ीस रहती है 20 मन्नत में भी, सेफ नहीं है और स्कैम नहीं होना है मुझे, क्योंकि काफ़ी स्कैम होता है यहाँ पे भी। मैं यहाँ पे आया हूँ इंडियंस पाकिस्तानी के बारे में काफ़ी गलत सुन रहा हूँ, क्योंकि ये लोग स्कैम करते हैं, डंकी मारते हैं यहाँ से, काफ़ी लोग
हॉस्टल में भी मिले थे, तो उनकी वजह से हमारे इंडिया का नाम बदनाम हो रहा है और पाकिस्तान का भी। इस शॉप से लिया था कोलगेट और कुछ इस तरीके का, ये है अराउंड समथिंग 2 मन्नत का, 100 रुपये ये हिसाब के। ये I didn't come in as sketchy. Even I do just love it. Why I'm blowing the fish? Yeah. The quality is not high. Blowing the fish. No. When you use in this video in desktop, quality is very good. But in India, in night, that's why. But quality is very good. Namaste. No, namaste means namaste का मतलब गलत है. हाँ वही तो. Namaste, no namaste. Assalam alaikum. Yeah. Namaste means be different for you. Yeah. But we Muslim only go for Allah. The bird in each fight? Yes. Aftershock. Yes, aftershock, yes. It's good here. Yeah, we are talking about here. They are telling you that this is volunteer. I understand you, but not so much. It's not dangerous. Dangerous? Not dangerous, but... So, I met him. Who is it? Muslim? Muslim. Thank you very much. My name is Naveed. Niyaz Abu Naveed. तो इन्होंने मेरा बैग चेक किया, मैं यहाँ एंट्री कर रहा था अचानक से, तो आप देख सकते काफ़ी सारे बुक्स हैं यहाँ पे। मैं सडनली बस जा ही रहा था तो मैंने अंदर एंट्री किया, शायद ये लिटरेचर होगा यहाँ के लिए। If you want to read something, you can go to the second floor and we have a library, a public library. Everyone, people can come. This is for everyone. Yeah. This is government or private? You can read only second floor books, it's, stuff. Huh. It's private or government? What? Government. This? What do you mean? We have a separate books to the... For reading. And this was only for selling. Yeah. Okay. जो books हैं यहाँ पे, जो नीचे ground floor है, ये तो ये आप ले सकते हो और ऊपर साइड में आप तो वहाँ पर रीड कर सकते हो, नो कॉस्ट रहेंगे उसके लिए। अगर आपको buy करना है तो आपको pay करना पड़ेगा इस चीज़ के। Thank you. Your name? Tahir. Yeah. Muslim. Nice to meet you. Yes, I have your channel. I want to see myself. Okay. I will post, don't worry. Okay. This one my channel. This channel for what? Traveling. Traveling. Yes, yes. This was Malaysia. And I will put Azerbaijan English subtitle. Okay. Don't worry. You first time in Azerbaijan? Yes, my first time. And then I go Kazakhstan. Then Uzbekistan. Yeah. It's a beautiful country, actually. You're welcome. तो मैं यहाँ पे सारा जोर से बोल नहीं सकता, सब लोग क्रिएट कर रहे हैं और ये लाइब्रेरी है। किताब ले लीजिए यहाँ से और पढ़ सकते हो बैक साइड। व्हाट व्हाट डू यू से? नो जो विष्णु इंडिया इंडिया व्हाट यू स्पीक नॉट टर्किश एंड व्हाट यू स्पीक ट्रांसलेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप जब भी बाहर जा रहे हो ना तो याद रखना चाहिए आपने। जहाँ मैं लाइब्रेरी में बैठा था ना, वहाँ से मेरी मुलाकात कोई अजहरी बंदे से हुई। पहले उसने मेरे से ही पूछा, आप कैसे हो, क्या हो भाई, तो हाउ आर यू, कैसे हो, कहाँ हो, कहाँ से हो आप, सब पूछा। मुझे भी लगा बंदा अच्छा है, अच्छा ही है, पता नहीं हो, मैं नहीं जानता। फिर एकदम से वो ये पूछता है, ट्रांसलेट ऐप से बात कर रहे थे इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहता था, पर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। वो मुझे मैसेज करता है, डू यू सेटिस्फाई विद सेक्सुअल नीड? खुफिया क्लब है वहाँ पे जाके अपन कर सकते हैं, आप मेरे साथ चाय पीने चलो, टी पीने चलो। पर मैंने उसे मना कर दिया ये सब चीज़ों के लिए। शायद मैंने उसकी पिक्चर इंस्टाग्राम पे शेयर की है, आप देख लो। यहाँ पे कोई भरोसे के लायक का नहीं है। मुस्लिम होने के बाद वो पूछ रहा है यार मेरे से एकदम से, यू या सेक्सुअल नीड के बारे में पूछ रहा है मेरे से यार। यहाँ पे सबको पैसा ही हटना है और कोई फालतू काम मत करना भाई, स्कैम में आप फंस जाओगे। कोई लड़के के लड़के पे भरोसा नहीं करना। फिर बाद में मैं समझ गया और ठर की बंदा है तो मैं निकल गया। तो भाई ये पूरा दिन भर का मेरा टूर था आज का, तो मैं जा रहा हूँ हॉस्टल, यहाँ से मैं अंदर एंटर कर लूँगा। बाय।